नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप कुमार पहुंचे सर्किट हाउस भागलपुर, मीडिया को किया संबोधित। आज भागलपुर सर्किट हाउस में शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप कुमार पहुंचे। वहीं सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जंगल राज के समय शिक्षा भी जंगल सी हो गई थी। जब से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदभार संभाले हैं, तब से शिक्षा में बहुत ही बदलाव आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर आने का मुख्य मकसद है जदयू के शिक्षा प्रकोष्ठ को मजबूत करना एवं सदस्यता अभियान के तहत जदयू में कार्यकर्ताओं को जोड़ना। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर के युवा जदयू से जुड़े और आगे बढ़े। जदयू बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। मीडिया ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप से जब सवाल किया कि अभी भी शिक्षा की स्थिति कई जगह बद से बदतर है, तो मंत्री जी ने कहा इसका आंकड़ा दिया जाए, पदाधिकारियों से कहकर उस पर जल्द से जल्द काम होगा। कार्यक्रम में जदयू प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद थे। अमरदीप, प्रदेश अध्यक्ष जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ, आज संवाद यात्रा के तहत भागलपुर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, पूर्व में जदयू के 34 प्रकोष्ठ थे, अब उनकी संख्या घटकर 12 हो गई है। आज आप इसे शिक्षा प्रकोष्ठ कहते हैं, इसी में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी है, कलंजवी प्रकोष्ठ भी है। इसका दायित्व तो अब पहले से बहुत अधिक हो गया है और शीर्ष नेतृत्व का इस बार बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि तमाम प्रकोष्ठ अध्यक्षों के लिए कि आप लोग बारी बारी से 3800 जिले में जाएँ, वहाँ के साथियों से राय मशविरा करें, उसके बाद ही जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन करें। और साथ ही निश्चित तौर पर जो हमारे नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतने अभूतपूर्व कार्य हुए हैं कि मुझे ये दायित्व दिया गया है, उन कार्यों को मैं साझा करूं अपने साथियों के साथ। मैं बिल्कुल यही संदेश देना चाहूँगा युवाओं को कि उन्होंने, युवाओं ने, आज के युवाओं ने महात्मा गांधी को नहीं देखा, JP को नहीं देखा, लोहिया को नहीं देखा, कर्पूरी ठाकुर को नहीं देखा, लेकिन ये उस पीढ़ी का सौभाग्य है कि नीतीश कुमार को पीढ़ी देख रही है। अपने नेता को वो समझें, उनके विचारों को समझें और समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाएं। यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा।